हेलो। हेलो। हाँ अपू भाई, हाँ भाई, कौन? अरे अरे यार जल्दी भूल जाते हो क्या? नंबर नहीं सेव है भाई, बता दो कौन बोल रहा है। अभी अबू बोल लो या वो अप्पू बोल नहीं, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आप कौन? लो। अभी तो बात हो रही थी, अभी भूल गए इतनी जल्दी? आज मनीष कैसे बात करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो क्या? है भाई, हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ। अरे उससे बात हो गई भाई, पिटाई, उसकी उसकी कायदे की पिटाई हो गई। वो कह रहा है कि मेरे मेरे से बात ही नहीं हुई, वो फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा बोल रहा है। अबे भाई, उसकी कायदे से पिटाई कर दी, अब वो बेचारा एकदम परेशान हो गया। ऑडियो भी आपको भेज रहे हैं, ठीक जी, है? धन्यवाद, उसको मैं आ रहा है, उसका उसका फोन आ रहा है, ध्यान रखूंगा। ठीक है? अरे साला, एक तो साला मिस कॉल मारता है, खाली बेकारी। ठीक है, उसको ब्लॉक करो भाई, उसको कुछ नहीं, वो बेचारा कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता जाता, ठीक है? हम ऑडियो उसकी भेज रहे हैं आपको। बाद कोशिश करें। योर कॉल हैज बीन टेकन ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने। भाग रहे हैं, भगा दिया हमने फोन, उठा के बोल रहे हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ भाई, बोल, आवाज भी नहीं निकल ली। अरे आतिफ देवबंदी, ये तो कोई बात नहीं यार, तुम अपना अरे आतिफ देवबंदी बोल रहा है। पागल हो गया, मेरा आतिफ देवबंदी लड़ा के नहीं। आतिफ देवबंदी भाई लाइन पे है क्या? हाँ भाई, अपने पास लाइन पे है। हाँ तो ये बताइए भाई, आप देवबंदी मतलब भाई कैसे बने? आप देवबंदी कैसे बने? तू अहले हदीस वाला कैसे बना, बता। नहीं, अहले हदीस तो हम ही है, क्योंकि जो भी मेरे भाई कुरान हदीस को मानता है वो अहले हदीस हो जाता है। आप देवबंदी कैसे बने? तो तू अहले हदीस वाला, बता मुझे। नहीं आप बात समझे नहीं, बंदी तो औरतें होती है ना, आपको बनना चाहिए था देव का बंदा, आप तो आदमी है, आप तो बंदी बन गए, आप तो औरत हो गए। अपनी भाजी को यार देव, भाई देवबंदी मतलब भाई ये फीमेल हो गया ना, आप आदमी हो के मतलब भाई वो बंदी बन गए। यार अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह का बंदी होता है, लेकिन आप तो मेरे भाई देव का बंदी बन गए। ये मतलब कैसे हुआ ये? हाँ तो फरमाइए, अर्ज फरमाइए, क्या फरमा रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं भाई, देवबंदी आप कैसे बन सकते हैं? बंदी तो औरतें होती है ना, आपको तो भाई जो बंदा बनना चाहिए था। तो तुम्हारे घर में हिजला है क्या? अरे भाई बंदा बंदी में कोई फर्क नहीं समझ पाता है, अल्लाह का बंदा यानी कि आदमी मर्द और अल्लाह की बंदी यानी कि औरत। तो आप मेरे भाई देवबंदी यानी कि आदमी हो के अपने आप को बंदी बना लिया, औरत हो गए आप। अरे कोई एक लोग बोलो, कितने लोग बोलते हो भाई? एक ही तो बोल रहा, तेरा बाप बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अरे मेरे भाई तमीज से बात कीजिए, वाकई आप देव का बंदा लग रहे हो। मेरा सवाल ये है कि जो भाई मर्द और आदमी में होता है फर्क, ठीक? अब जो मेरे भाई अल्लाह को मानने वाला आदमी होता है उसको बोलते हैं अल्लाह का बंदा, और जो अल्लाह को मानने वाली औरत होती है उसको बोलते हैं अल्लाह की बंदी। लेकिन आप लोग कहते हो हम देवबंदी हैं, तो देव की बंदी यानी कि बंदी तो औरत होती है ना, और आप लोग तो आदमी हो, तो आदमी बंदी कैसे हो गई? आदमी तो बंदा होता है ना। हेलो अपू भाई, हाँ एक बात बताऊं? हाँ बताइए। आपकी गलतफहमी दूर करके फिर कॉल मत करना देवबंदी के बारे में, ठीक है? ठीक ठीक बताइए। मुझे देवबंदी का माना है ना, तो देवबंदी को तो यही मतलब उनका सीधा देवबंदा जगह का नाम है, और जो जगह का पानी है तो उसका नाम होता है, उसका लकब दे दिया जाता है, ठीक है? अरे देवबंद में जो रहते हैं उनको कहना चाहिए कि हम देवबंद वाले हैं या देवबंद वाली हैं, लेकिन आप लोग तो कहते हो हम तो देवबंदी हैं, तो बंदी तो औरतों होती है ना,
आदमी बंदा होता है, तो आपको आज अपने आपको कहना पड़ेगा हम देव के बंदे हैं, देव बंदा। अब तो हो गया, अब तुम्हारा काम क्या है? हिंदू लोग खड़े के पूछते तो पड़े के पूछते है भाई, क्या कह रहे वो करते हैं भाई। कुरान और हदीस को मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं, और जो देवबंद शहर के लोग पढ़े हुए हैं वो अपने नाम के आगे लगाते हैं फाजिले देवबंद, लेकिन जो आम देवबंदी मुकल्लिद है वो अपने आप को कहते हैं हम देवबंदी हैं। तो बंदी तो औरत होती है, आदमी अगर आप होते तो आप अपने आप को बंदा कहते, तो इससे साबित हो गया कि आप भाई वो जनाना है और मैं जनानों से बात मैं नहीं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।